नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आज से करीब 50 साल पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी डिस्कशन शुरू हो गए और हम सब और उस वक्त लोगों के भी अंदर बहुत सी एक्साइटमेंट थी। उस वक्त मतलब 1970 के करीब इंडिया में IBM का 1401 ये मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ किया जाता था और उस पर एटोकोडर नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। यूरोप और अमेरिका में IBM 360 और IBM 370 ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते थे और इंडिया में भी ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आ रहे थे, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया इस वक्त बहुत छोटी थी। वो एक छोटे बच्चे की तरह थी, वो पूरी डेवलप नहीं हुई थी। कंप्यूटर को सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियाँ या फिर बैंक्स में ही कंप्यूटर्स यूज़ किया जाता था। तो दुनिया भर में कितने कंप्यूटर्स लगेंगे, ऐसा सवाल जब IBM के वॉटसन से किया गया तो उसने कहा कि 5 या 10 कंप्यूटर्स ही लगेंगे। लेकिन आज लगभग हर घर में मिनिमम 1 से 2 मोबाइल्स, एक पर्सनल कंप्यूटर या फिर एक लैपटॉप आज अवेलेबल है। और उसमें अगर हम वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन को अगर जोड़े तो हर एक चीज़ में, क्या अगर माइक्रो प्रोसेसर्स को देखा जाए, मोबाइल, लैपटॉप, टैब, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, तो 6 से 7 माइक्रो प्रोसेसर्स, मतलब 6 से 7 कंप्यूटर्स आज हर एक घर में आज अवेलेबल है। अगर आज वॉटसन जिंदा होता तो ये सब देख के वो डेफिनेटली बेहोश हो जाता। लेकिन कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा कैसे क्या डेवलप हो गए, उसकी किसी ने सपने भी नहीं सोचा था कि कंप्यूटर्स की इतनी ज़रूरत हमको लगेंगी। इसलिए तो IBM ने अपने एक मॉडल का नाम 360 रखा था। उसको ये दिखाना था कि वो जैसे कि एक लाइन जब अपने पोजीशन से रोटेशन, अगर वन कंप्लीट रोटेशन कर लेती है और सेम पोजीशन पे आ जाती है तो वो 360 एंगल कंप्लीट करती है, उससे ज़्यादा एंगल वो नहीं कर पाती। तो IBM भी यही बताना चाह रहा था कि उनका जो मॉडल है IBM 360 वही सब कुछ है, उससे ज़्यादा बेहतर कंप्यूटर नहीं होगा। लेकिन आज का एक सिंपल स्मार्टफोन भी IBM के उस 360 मॉडल से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो लेकिन ये सब कैसे हुआ, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे हुई, तो इसके लिए हमें थोड़ा कंप्यूटर्स के हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। 1960 का जो दशक था वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का था, 1970 का जो दशक था वो मिनी कंप्यूटर्स का था, और इसी दौरान कंप्यूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग साइज और प्राइस कम कम हो रही थी, लेकिन कंप्यूटर की एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी बढ़ रही थी। 1980 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर्स बहुत फेमस हो गए और कंप्यूटर्स ने एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों में एंट्री ले ली थी। 1990 के दशक में इंटरनेट की क्रांति हो गई और हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई। पूरी इंटरनेट की क्रांति, TCP/IP इस प्रोटोकॉल के बाद तो हर एक चीज़ हम ऑनलाइन करने लगे। ई कॉमर्स जैसे बिजनेस वेबसाइट्स डेवलप होने लगी। और साल 2000 का जो दशक है, इस दशक में मोबाइल की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई, खासतौर से स्मार्टफोन की डेवलपमेंट बहुत हो गई। मैंने मेरे पिछले पिछले वीडियो में मोबाइल के हिस्ट्री के बारे में, मोबाइल की जर्नी के बारे में बताया था, जो कि आप वो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साल 2011 में जर्मनी के अंदर एक इंडस्ट्री 4.0 की अनाउंसमेंट हो गई। अब ये इंडस्ट्री 4.0 क्या है, इसके लिए हमें इंडस्ट्री 1.0, इंडस्ट्री 2.0, इंडस्ट्री 3.0 इनके बारे में जानना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री 1.0 हम किसे कहते हैं, 1760 में जो चीज़ डेवलप हो गई स्टीम इंजन, उसको हम इंडस्ट्री 1.0 कहते हैं। स्टीम इंजन्स की बहुत ज़्यादा स्टीम इंजन इन्वेंट हो गया और उसका प्रोडक्शन बढ़ गया। और 1920 के आसपास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बहुत डेवलपमेंट कर ली और इसको हम इंडस्ट्री 2.0 कहेंगे। और 1960 का जो दशक है कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको हम इंडस्ट्री 3.0 कहेंगे। इसके अंदर कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट, मोबाइल फोन्स के कुछ डेवलपमेंट्स आते हैं। और इंडस्ट्री 4.0 में क्या आएगा, आने वाले 20-30 सालों में दुनिया में जिस टेक्नोलॉजी से हंगामा होने वाला है, ऐसी चीज़ें इंडस्ट्री 4.0 में शामिल है, जैसे 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें इंडस्ट्री 4.0 में शामिल है। और इन सब में 2010 के बाद तेज़ी से रिसर्च शुरू आए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचना असल में 1950 के दशक में ही शुरू हुआ था। एलन ट्यूरिंग नाम के ग्रेट मैथमेटिशियन ने अपनी एक इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई करने की ट्यूरिंग टेस्ट भी बनाई थी। और इसी वक्त के दौरान इंडस्ट्रीज में रोबोट्स का भी बनना शुरू हुआ था और यूमिनेशन नाम की एक कंपनी ने अपना पहला इंडस्ट्रियल रोबोट भी बनाया था। और इस रोबोट को बनाने के अंदर सबसे मेन
जो मेन आदमी था उसका नाम था एंगल बर्गर। इसने पहला इंडस्ट्रियल रोबोट बनाया था। साल 1950 के दशक के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी से रिसर्च शुरू हुई। कभी रिसर्च में कभी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती थी तो कभी बहुत कम उम्मीद साइंटिस्ट के बीच में रहती थी। इसे हम एआई विंटर कहते हैं। एआई का असल में क्या मतलब है? एआई को लेकर हम क्या गोल हमने रखा है, क्या टारगेट हमारे दिमाग में है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस का मतलब ये कि मशीन ने पूरी तरीके से इंसान के जैसा सोचना, इंसान के जैसा बिहेव करना, ये पॉसिबल होगा क्या? जैसा हम बात करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, लोगों के चेहरे को देखकर पहचानते हैं, क्या मशीन ये खुद से कर पाएगी? क्या मशीन को फीलिंग्स होगी? तो बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज, लिटरेचर, साइंटिफिक स्टोरीज और हाल ही में तो रिसेंट में तो बहुत से मूवीज़ में भी दिखाया जाता है। जैसे रोबोट मूवी में दिखाया गया था कि वो खुद से डिसीजंस लेता है, इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करता है। पॉसिबल होगा क्या कि रोबोट के अंदर फीलिंग्स डाली जाए? इन सब चीज़ों में साल 2000 तक बहुत रिसर्च हुई, लेकिन वो रिसर्च की लिमिट, एक लिमिट से ज़्यादा आगे नहीं जा पाई। हम कुछ खास अचीव नहीं कर सके। इसमें मेन कॉन्सेप्ट थी कि इंसान कैसे सोचता है, चीज़ों को कैसे समझता है, लोगों के चेहरे को कैसा याद रखता है, उसको किस तरीके की फीलिंग्स है, उसके दिमाग में कौन से पार्ट में, ब्रेन के किस हिस्से में फीलिंग्स का पार्ट है। इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने फिर इंसान के दिमाग का स्टडी करना शुरू किया और इस वजह से कंप्यूटर साइंस और न्यूरो साइंस, ये दो अलग अलग फील्ड फिर नज़दीक आने लगी। लेकिन उसी वक्त एक बात समझ आई कि इंसान के दिमाग की पावर, उसकी कैपेसिटी अद्भुत है। आने वाले वक्त में कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होगी वो इंसान के ब्रेन से कहीं ज़्यादा फास्ट होगी, लेकिन क्या वह हर एक वो चीज़ मशीन कंप्यूटर सीख पाएगा जो कि इंसान का दिमाग सीखता है? तो इसी तरीके से जैसे फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये सब चीज़ों को रोबोट्स खुद से सीख पाएगा क्या? तो इसके वजह से एक्सपर्ट्स में बहुत डिस्कशंस और डिबेट्स होने लगे। स्टैनफोर्ड के एक डेफरेस नाम के एक मशीन लर्निंग एक्सपर्ट ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी मशीन या कोई भी रोबोट सेम टू सेम इंसान के ब्रेन के जैसा डेवलप नहीं हो सकता, उसके जैसा एक्ट नहीं कर सकता। और इस बात में बहुत सच्चाई भी है क्यों, और ये बहुत इम्पॉसिबल बात है। लेकिन फिर भी आज एजुकेशन, हेल्थ इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में, बिजनेस में, हर जगह, खेती में, होटल्स में, हमारे डेली लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है और इसमें बहुत रिसर्च। और साल 2000 के बाद मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये दो कॉन्सेप्ट्स ने तो दुनिया भर में हंगामा मचा दिया, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सी बातें निर्भर करती थी। जैसे इंसान के दिमाग के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, क्या हम आर्टिफिशियली इस न्यूरल नेटवर्क्स को अगर किसी रोबोट में या किसी मशीन में अगर डालेंगे, जिसे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, ANN, तो फिर क्या ये पॉसिबल होगा? अगर मशीन लर्निंग में ऐसी बहुत ज़्यादा लेवल्स बनानी पड़ती है और इसी लेवल्स की स्टडी को हम डीप लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इन टेक्नोलॉजी की वजह से ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन, इमेज, फेस रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सब इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ें भी अब पॉसिबल हो गई है। जैसे पाइथन, आर, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अब बहुत पॉपुलर हो गई है। आने वाले वक्त में इंडस्ट्री 4.0 और AI की वजह से हज़ारों लाखों लोगों की जॉब भी जा सकती है, लेकिन जॉब्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी इस फील्ड में खुल सकती है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसे ही चीज़ों के ऊपर आसान भाषा में बात करेंगे, जैसे इंटरनेट कैसे वर्क करता है, GPS, गूगल मैप्स। और आप भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो मैं पोस्ट करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।